कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक बहुत ही पवित्र हिमालय पर्वत है। शब्द कैलाश मानसरोवर दो शब्दों से लिया गया है, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का घर है और मानसरोवर पर्वत में एक झील है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारत, नेपाल और पश्चिम देशों के तीर्थयात्री यहाँ हर साल देखे जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नेपाल के रास्ते चाइना का बॉर्डर पार कर तिब्बत पहुँचा जाता है। यह सफ़र कठिनाइयों का सफ़र है, कठोर परिश्रम का सफ़र है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक अलौकिक अनुभूति का एहसास होता है। यह अनुभूति शब्दों की व्याख्या से परे है। इतना विराट, इतना शालीन और विहंगम होता है कैलाश पर्वत का दृश्य कि लगता है आप किसी अलग ही दुनिया में हैं। प्रकृति की ताकत और सौंदर्य का एहसास होता है। यदि आपने यह यात्रा की है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस अनुभूति की बात कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर यात्रा आपके अंदर छुपी हुई शक्ति और कमजोरियों की यात्रा है। कैलाश के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप एक दुर्लभ और दिव्य अलौकिक दृश्य का अनुभव करते हैं और तब आपको एहसास होता है कि हर एक इंसान को अपने जीवन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों करनी चाहिए। सद्गुरु ने कैलाश यात्रा के बारे में कहा है, कैलाश इज सच अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस दैट ऑल दीज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आर फॉरगेटन एंड ओनली द ग्रैंड इमेज एंड द पावरफुल रिवर्बरेशंस रिमेन। इफ यू कैन रियली बी विद कैलाश इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, लाइफ विल नेवर अगेन बी द सेम फॉर यू। इट इज अ फेनोमेना बियॉन्ड ऑल ह्यूमन इमेजिनेशंस। अब मैं आपको कैलाश पर्वत के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां देता हूं। कैलाश के तल में दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस तल। ये एक दूसरे के अगल बगल हैं और बीच में एक पर्वत श्रृंखला है। समुद्री तल से 4,560 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं और यहाँ के जल को पीते हैं। इस जल को अमृत जैसा माना जाता है। मानसरोवर झील हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वहीं राक्षस तल हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये दोनों झीलें गुड और नेगेटिव एनर्जीज के परिमापक हैं। अब तक किसी साइंटिस्ट ने यह नहीं बता पाया कि इनमें से एक झील फ्रेश वाटर और दूसरा सॉल्ट वाटर क्यों है। यदि आप कैलाश पर्वत के आसपास हैं तो आपकी आयु जल्द बढ़ जाती है। आप अनुभव करेंगे कि सिर्फ 12 घंटे में आपके नाखून और बाल उतने बढ़ जाएंगे जिसे बढ़ने के लिए सामान्य तौर पर 2 सप्ताह लग जाता है। आज तक पूरे विश्व में किसी ने भी कैलाश पर्वत चढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है। जिस किसी ने कोशिश की वो या तो अपना रास्ता भटक गया या फिर जख्मी होकर लौट आया। तिब्बत सरकार ने अब कैलाश पर्वत में माउंट हाइकिंग बैन कर दी है। क्या कैलाश पर्वत एक मैनमेड पिरामिड है? कुछ रशियन साइंटिस्ट्स का मानना है कि जिस तरह की विचित्र गतिविधियां यहां देखी गई हैं, उनका मानना है कि माउंट कैलाश एक बहुत ही विराट मैनमेड पिरामिड हो सकता है, जो एक सेंट्रल पिरामिड है जो आसपास के सैकड़ों छोटे पिरामिड से घिरा है। हिंदू जीवन शैली में लोग कहते हैं कि कैलाश शिव का निवास है। यौगिक संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, हम उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो पहले योगी
या आदियोगी थे। वे अपने पहले 7 शिष्यों में योग विज्ञान को प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्हें सप्त ऋषियों के रूप में माना जाता है। शिव सबसे बड़ा रहस्यवादी है जिसे हमने जाना है। शिव एक निश्चित ऊर्जा के रूप में कैलाश पर्वत में विराजमान है। उन्होंने इस चोटी को खुद को जानने के लिए मचान के रूप में चुना। शिव के पास जो ज्ञान और क्षमता थी वह आज भी कैलाश में जीवंत है। कैलाश पर्वत एक बहुत ही अलग अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है कि जब आप कैलाश के सामने खड़े होते हैं आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में आप जो बड़ा सा ईगो और इमोशंस का पुलिंदा लेकर जी रहे हैं वो सब छोटा है, बेकार है। आपको एहसास होता है कि आप इस विराट कायनात में कुछ नहीं है, सिर्फ एक धूल के कण के समान है। ईच वन ऑफ अस इज जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट, नथिंग मोर। इफ दिस वीडियो टच्ड यू इन सम वे, प्लीज लीव योर कमेंट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Your support is required for us to prepare more new videos which will be interesting and informative. Thank you.